के जिस किसी ने भी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया उसका सफाया दिल्ली से हुआ है। और ये अलग परंपरा जो बन रही है कि अगर आपके दल में कोई आ जाए उसके लिए ईडी सीबीआई कुछ भी नहीं है, विपक्षी पार्टी है उनके ऊपर ईडी सीबीआई। और आप लोग जो देख रहे होंगे बंगाल में, बिहार में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश तो बहुत आगे है, हमारी पार्टी के विधायकों की सदस्यता लेना, उन पर झूठे मुकदमे लगा देना, पैरवी ऐसी करना या पैरवी करने ना देना जिससे कि उनकी सदस्यता चली जाए, और न जाने कितनी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स यूपी में सबसे ज्यादा समाजवादियों के ऊपर हुई है, तो कामयाब हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से नहीं केवल देश से भी बाहर हो जाएगी। राहुल गांधी को क्या इस वक्त कोई बातचीत हो पाए जिस तरह से? देखिए मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि मैं बातचीत करके कोई सुझाव दूं। वो नेशनल पार्टी है, केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है वो मैं कह सकता हूँ कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ? अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे? और अभी मेरा एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो उस पर मुकदमा लग गया। लाओ, क्या मुकदमा लगा, दिखाओ दिखाओ जरा। हमारे घर को अगर मुख्यमंत्री आवास को कहाँ ढूंढ रहे हो, मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से तो किसी को कोई अपमान नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए तो उस पर मुकदमा लग गया। अब बताइए, ये कार्यकर्ता हमसे मिला सुबह आके, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो गंगा जल का यही तो है कि इससे शो हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं, गंगा में डुबकी लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो इस ये देखिए धाराएं लगी इसके ऊपर, अब धाराएं तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, कौन धारा लगी है 295 505। देखिए आप, देखिए ये धाराएं लगा दी इस पे, और हमारे मुख्यमंत्री आवास को जिन्होंने धोया, जिन पे वो गंगा जल छिड़का, क्या उन पे धाराएं नहीं लगनी चाहिए वाली? तो ये बीजेपी का कहना कि उन्होंने किसी का अपमान कर दिया है, अरे इनके भाषण सुनोगे अगर आप, उत्तर प्रदेश में जो भाषण दिए हैं इन्होंने तो कितना अपमान किया है, इनके ऊपर तो मानहानि दावा ज़्यादा होना चाहिए। और 15 लाख जो देने की बात की थी वो मानहानि नहीं होगा, कि 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे, वो मानहानि का मुद्दा नहीं बनता। आपने तो जनता के साथ और लोकतंत्र में ये वादा कर करके आप पीछे हट गए। अरे यार, प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी जो हम समझ सकते हैं, जो मैं ठीक समझ सकता हूँ वही मैं कह सकता हूँ। प्लेटफॉर्म क्या होगा, प्लेटफॉर्म क्या बनेगा, उसके बारे में मुझे क्या पता। देखिए ये तेजस्वी यादव, रीजनल पार्टीज के साथ इसी तरह का व्यवहार हमेशा हुआ है, चाहे वो दक्षिण की रीजनल पार्टीज हों, चाहे उत्तर भारत की रीजनल पार्टी हों। अगर आप रीजनल पार्टी के नेता हैं तो नेशनल पार्टीज हमेशा आपको अपमानित करती हैं। पहले कांग्रेस अपमानित करती थी और आज भारतीय जनता पार्टी अपमानित कर रही है। सर, दूसरे कार्यकाल का एक साल यूपी सरकार आज मना रही है, कैसे देखिए? इनका एक साल का कार्यकाल मत गिनिए। उत्तर प्रदेश में ये 7वां बजट लाए हैं तो 7 बजट का हिसाब किताब दें। दिल्ली की सरकार के 10 बजट हो गए तो 10 और 7 7 मिला के 17 बजट हो गए। और पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि माँ गंगा कितनी साफ़ हो गई हैं, यमुना नदी कितनी साफ़ हो गई है, कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई है, क्या सिलेंडर सस्ता मिलने लगा है, क्या डीजल पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, क्या बिजली का बिल सस्ता हो गया, क्या इलाज अब फ्री मिल गया है, क्या इलाज देश में ऐसा हो गया कि कोई दिल्ली में इलाज कराने नहीं आ रहा है। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये बुनियादी सुविधाओं का जो वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे हुए हैं? भाई, हमें जो सुझाव देना था मैंने दे दिया कि ये मौका मिला है कि रीजनल पार्टीज़ को आगे कर करके लड़ाई लड़ी जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उन्होंने प्रशासन और सरकार का साथ लेकर के पहले तो झूठे मुकदमे लगवाए और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता ली है। आप याद कीजिए, मोहम्मद आजम खान साहब उनकी सदस्यता गई, उनके बेटे अब्दुल्ला उनकी सदस्यता गई, इसी तरह समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग एमएलए हैं
उन पर केस लगाना। इरफान सोलंकी कानपुर, और एक अधिकारी बुलाया गया, बाहर से लाया गया, दूसरे प्रदेश के कैडर के अधिकारी को बुला करके ये निर्देश दिए शासन ने और सरकार ने कि आपको इसकी सदस्यता लेनी है। अभी दो दिन पहले अगर आपको याद हो, विधायक इरफान ने खुद कहा कि ये मेरी सदस्यता लेना चाहते हैं, जिससे वैसे अन्याय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उससे अभी कुछ दिन पहले नोएडा ग्रेटर नोएडा में, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि समय समय पे ट्रेनिंग दें और समय समय पे उनको जानकारी और जागरूक करें। पिछली बार आप आए थे, एनकाउंटर की बात की थी, फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा डॉक्टर का कि रिपोर्ट जब बनाएंगे जब पैसे देंगे आप। 25,000 सर नोएडा में ये ऑडियो वायरल हुआ था। कह सकता हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि करप्शन इतना किसी सरकार में नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार का हर रिकॉर्ड टूटा है। और ये फेक इनकाउंटर की खबर आना पहली बार नहीं हुई है। याद कीजिए, आगरा में एक बार पुलिस के लोग तय कर रहे थे कहां पर गोली मारने पर कितना पैसा वसूला जाएगा, और इसी शहर में यहीं पर याद कीजिए सबसे पहला फेक इनकाउंटर एक हुआ था, सुमित गुर्जर का हुआ, जिसकी बगल के जिले में थी सुमित गुर्जर की। उसके बाद एक सुमित यादव का यहाँ हुआ, जिसको आज भी नहीं चल पा रहा, जो अभी भी नहीं चल पा रहा है। तो क्या ये जानकारी में नहीं है? जब कभी भी जांच होगी सुमित गुर्जर के केस की, जब कभी जांच होगी यहाँ पर जो एक ट्रेनर था जिम में उसकी, बहुत सारे अधिकारी लोग जेल जाएंगे। सर पहले तो कई बार आया था, निकाल चुनाव के समय में नहीं आए सर। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री को रहने की कोई जगह नहीं थी, जब तक जगह बनाई तब तक सरकार चली गई। सर मगर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी थी उस समय। नहीं नहीं, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री के रहने के लिए, उसके लिए न कोई निवास था, न कार्यालय था, न कोई अच्छा गेस्ट हाउस था। तो मुझे याद है उसी समय एक गेस्ट हाउस को बनाया गया था। जब तक बनकर के तैयार हुआ हमारी सरकार चली गई। अब उसको देख भी नहीं सकते, उसको तो बर्बाद कर दिया सरकार। सर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं करते, सबका से प्यार करते हैं। भगवान सबके होते हैं और भगवान की कोई सीमा नहीं है, कोई बांध नहीं सकता है। हम किसी भगवान को मानना चाहे कैसे आप रोक लोगे?